माहौल अच्छा है, एक नया उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में। धामनगर के विजय के बाद हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पदमपुर में भी भाजपा की विजय के लिए काम करने के लिए तैयार है और जोश में भी है। और हम लोगों के पास यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो हमारे बच्चे यहाँ रोज़गार न मिलने की वजह से बाहर जा रहे हैं, और यहाँ के किसानों के जिस तरह से इंश्योरेंस को लेकर धोखा हुई और वादा भी किया गया था कि उनको गोवर्धन प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ किसानों का सिंचाई के लिए पानी देंगे, पर एक ठोकरी मिट्टी भी उठा के वहाँ नहीं किए। आज तक 22 साल हो गया बीजेडी सत्ता में बैठे हुए, पर किसानों की जो दिक्कतें हैं उसको बिल्कुल अनदेखी किए हैं। इसलिए ये सब मुद्दे लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। यहाँ जितनी गरीबी, क्योंकि बरगढ़ जिले में आखिरी में है पदमपुर, और यहाँ जितना पिछड़ापन है लोग अनुभव कर रहे हैं। केंद्र सरकार यहाँ लाखों संख्या में घर देती है गरीबों के में बांटने के लिए, पर यहाँ के गरीब अगर आप देखोगे तो ये हमारा कहना भी नहीं, एक सर्वे ने कहा कि लगभग 14% लोग यहाँ कच्चे घर में रहते हैं। अगर केंद्र सरकार घर देती है तो वो घर कहाँ गए? और वैसे ही जो भी योजनाएं केंद्र सरकार देती है, यहाँ अपना पोस्टर चिपकाकर, अपना लेबल चिपकाकर यहाँ का प्रशासन करती है। आज हमारी कार्यकर्ता सवाल करके पूछ रहे हैं कि आप ऐसा एक अच्छा डेवलपमेंट विकास का काम दिखाओ जो खुद बीजेडी शासन जो है उन्होंने किया। हर एक योजना, हर एक विकास का योजना यहाँ जो होता है केंद्र सरकार के दिए हुए जो फंड्स हैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ होता है। करप्शन है, भ्रष्टाचार बहुत पैमाने में यहाँ है, परिवारवाद इस जिले में लोग देख रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष दलों के नेता अपने जो परिवार वालों को बॉडीगार्ड्स लेकर घूम रहे, ये पूरा यहाँ का जिलावासी देख रहे। इसलिए हम ज़रूर मानते हैं कि यहाँ के लोग समझदार हैं और एक अच्छी पार्टी को, अच्छी नेता को, प्रदीप पुरोहित जी जो है हमारे प्रत्याशी, वो तो आंदोलन से उभरा हुआ नेतृत्व है, और वो ऐसा नेतृत्व है जो हमेशा लोगों के साथ रहने वाला नेतृत्व है। किसी से भी पूछे तो वो यही कहता है कि प्रदीप पुरोहित जी लोगों का आवाज़ बनता है और उनके रीढ़ बनकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ से किसानों का नाम भेजने वाला कमेटी किसको बनाना है, वो तो केंद्र सरकार नहीं बनाती है। यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आपको कमेटी का हेड बनाकर आपको कमेटी बनानी थी, पर आप किसके नेतृत्व में बनाए? आप एग्रीकल्चर कृषि का डायरेक्टर के नेतृत्व में बनाए थे। तो केंद्र सरकार ने आपको चिट्ठी लिखी थी कि आपका जो कमेटी बनी हुई है वो गलत तरीके से बना है, उसको सुधरो, पर अभी तक नहीं सुधरे। अब कहते हैं, क्योंकि चुनाव सामने है, अब कहते हैं नहीं नहीं अब हम नई कमेटी भेजेंगे। ये थोड़ी केंद्र सरकार करती है, ये काम तो यहाँ का जो बीजू जनता दल का सरकार है उनको करने वाला काम था। यानी कि बिल्कुल यहाँ के किसानों को धोखा देकर उनको पैसा न आए इस तरह उन्होंने यहाँ काम किया है। लोगों को दिखाएं, उनके कहने से थोड़ी हो जाती है, दिखाएं। जो केंद्र सरकार जो एम्पैनल्ड हुए हैं उन्हीं के माध्यम से इंश्योरेंस करवाना है, पर क्योंकि इन लोगों को घूस चाहिए, ये लोग प्राइवेट इंश्योरेंस को दिए हैं, तो दिखाएं ना कहाँ जिनको ये दिया है। अगर वो एम्पैनल्ड है तो दिखाएं यहाँ के किसानों को, यही हमारा सवाल है।